वहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ में लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। आज भी दिन भर प्रदेश कार्यालय कुशाभाउ ठाकरे प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर चलेगा। दूसरी तरफ पार्टी के बड़े नेता बस्तर लोकसभा इलाके का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव का भी लोकसभा चुनाव को लेकर दौरा जल्द शुरू होगा। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने स्वराज संवाददाता हेमंत शर्मा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की तैयारियां लगातार चल रही है। 11 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही किरण सिंहदेव ने कांग्रेस द्वारा अब तक बाकी बचे प्रत्याशियों का ऐलान नहीं होने पर कहा कि कांग्रेस में विश्वास की कमी है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होगा। 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है बीजेपी की, इस संबंध में बातचीत के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग है, बस्तर में चुनाव होना है, किस तरीके से तैयारी है पहले चरण को लेकर? हमारी पूरी तरह से तैयार है। हम विधानसभा चुनाव के बाद से ही लोकसभा को फोकस करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, उनके आह्वान पर, जो हमारे राष्ट्र केंद्रीय पदाधिकारी वरिष्ठ नेताओं ने जो मार्गदर्शन प्रदान किया है, जो कार्यक्रम बनाए हैं, जो गतिविधियां बनाई हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रारंभ से ही क्लस्टर के निर्माण हो गए। लोकसभा स्तर पर लोकसभाओं को क्लब करके अलग अलग 3 क्लस्टरों का निर्माण हुआ है, उनकी बैठकें हो चुकी है, आदरणीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ, बस्तर लोकसभा की दृष्टि से उनकी बैठकें भी हुई है और उनकी जनसभा भी हुई जांजगीर में। उसके बाद हमारे राजनाथ सिंह जी आदरणीय वरिष्ठ नेता, रक्षा मंत्री जी का हमारा हुआ, हमारी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो गरीब कल्याण की योजना है वो अब तेज गति से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी की गारंटी की सभी योजनाओं को आकार दे दिया और पूरे हितग्राहियों को उसका लाभ भी मिलने लग गया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे हमारे मैतारी बंधन का मामला हो, चाहे गरीब किसानों को 3,100 में देने का जो वादा किया था हमने उसके अंतरराशि देने का मामला हो, चाहे 2 वर्ष के बकाया बोनस राशि देने का मामला हो, सारे काम हो चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी की जो योजना है वो इन 3 महीने के अंदर ही तीव्र गति से चलना प्रारंभ हो चुकी है। जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने रोक के रखा था, उसकी योजनाओं का लाभ नहीं देने दे रहे, तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा उनको। किरण जी, चुनाव के ऐलान के काफी पहले आप लोगों ने 11 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था, 6 प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस ने किया है, 5 में अभी सस्पेंस बना हुआ है, कब सूची आएगी ये भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं बता पा रहे हैं। नहीं, इसका वास्तव में जैसा आपने कहा कि ये उन्हीं का विषय है, उनको बताना चाहिए, कहीं विश्वास में कमी है। थोड़ा सा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का जो विश्वास है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का, ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जहां 7 से 8 से 10 ऐसे उनकी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा हो। घर घर शौचालय बन गए, उज्ज्वला फिर से तेजी से उज्ज्वला योजना काम पे आ गई, हमारे मैतारी बंधन का हो, जैसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके जनधन खाता का मामला हो, किसानों में सम्मान निधि का जाने का मामला हो, ऐसा तेज गति से चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बनना चालू हो गए, जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने रोक कर रखा था, और श्रेय तो सब लेते चले गए। प्रत्याशी भी घोषणा करने का उनका विषय है, किस कारण से वो घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, क्या विश्वास में कमी है या जनता का मूड भाव गए हैं। साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ी तैयारी बीजेपी की है और उसी तैयारी के बदौलत 11 की 11 लोकसभा सीटें इस बार बीजेपी छत्तीसगढ़ में जीतेगी। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।